नमस्कार, रणनीति में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कई बातें कही हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा हो इंटरव्यू या नहीं पढ़ा हो वो इंटरव्यू, उसके मुख्य बिंदु आपको बता देते हैं। पहले उन्होंने कहा है कि आज़ादी नहीं मिलने वाली है, आप सेना से नहीं लड़ सकते, ये बात कश्मीर के युवाओं को जान लेनी चाहिए। हमें किसी को मारने में मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर आप हमसे लड़ना चाहते हैं तो हम आपसे पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। कश्मीरियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी क्रूर नहीं है। सीरिया और पाकिस्तान को देखिए, वो ऐसी परिस्थितियों में टैंक और एयर पावर का इस्तेमाल करते हैं। उकसावे के बावजूद हमारे लोगों की कोशिश होती है कि आम लोगों की जान न जाए। सेना की कार्रवाई में बाधा डालने वाले अगर आतंकियों को बचाना चाहते हैं तो उन्हें उनसे कहना चाहिए कि वो बिना हथियारों के बाहर आ जाएं ताकि कोई मारा न जा सके। वो ये कहें कि मैं लेकर आता हूं, हम ऑपरेशन रोक देंगे, हम ये नहीं होने देंगे कि वो हमारी कार्रवाई में बाधा पहुंचाएं और भागने में आतंकियों की मदद करें। आम लोगों की जान न जाए इसलिए हम ऑपरेशन रद्द करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हमारे लोगों, उनकी गाड़ियों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज जैसे लोग जब छुट्टी पर घर जाते हैं, निहत्थे रहते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस वालों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है। जो हमसे लड़ना चाहते हैं हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। ये कुछ मुख्य बातें उन्होंने कही हैं इस इंटरव्यू में, और इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो धीरे धीरे इस चर्चा में हमारे साथ आप देखेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में राहुल जलाली हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनरल बिक्रम सिंह जो कि पूर्व आर्मी चीफ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, राहुल जलाली हमारे साथ मौजूद हैं। जलाली साहब, इस इंटरव्यू को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो सारी बातें सेना अध्यक्ष ने की हैं बिल्कुल ठीक है। जो उन्होंने सरेंडर की बात की कि ये कर देना चाहिए, पत्थरबाजों की बात की, ये सब ठीक है, पर मुझे लगता है कि कश्मीरी यूथ आज़ादी छोड़ दे, ये एक पॉलिटिकल मामला है और शायद ये कहना नहीं चाहिए था उन्हें। ये किसी पॉलिटिशियन से सामने आए कि हमारे जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह या कोई और ये बातें करें तो बिल्कुल सही है। और मैं जहां तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीरी जानता है कि आज़ादी मिलेगी नहीं, ये नामुमकिन सी चीज है, तो उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं थी। बाकी सारे बातें बिल्कुल सटक है और सही वो कह रहे हैं जितनी भी बातें हो। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो अगर कुछ होना है कि सेना एक कार्रवाई करेगी, स्थिति को एक जगह सामान्य जगह पे ले आएगी, पर अगर इसका सलूशन है तो फिर वो राजनीति लोगों को करना चाहिए। जी, तो जनरल बिक्रम सिंह भी हमारे साथ हैं। जनरल साहब, जो यहाँ पर राहुल जलाली कह रहे हैं कि बातें सही कही हैं, लेकिन क्या उनका कहना ये सही था? आपको क्या लगता है, क्या आर्मी की कोई वॉइस नहीं है या फिर पॉलिटिशियंस जो हैं इस पर नहीं बोल रहे हैं? हमारे जो बड़े मिनिस्टर हैं, नेता हैं, वो इस पर नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए आर्मी चीफ को बोलना पड़ रहा है? क्या उनको बोलना, उनका बोलना इस तरह से सही है? देखिए, जब आप देखते हैं मिलिट्री का रोल क्या है देश की सुरक्षा के लिए, तो जो आर्मी है, जो इंडियन मिलिट्री है, वो देश की जो सॉवरेनिटी है, जो इंटेग्रिटी है, जो यूनिटी है, उसे कायम रखती है। ये बेसिक रोल है आर्मी का। तो अगर चीफ ने ये कहा है कि जो एक जो सेंट्रीफ्यूगल या एक जो एक्सेशन के जो कुछ इरादे हैं कई लोगों के, वो गलत हैं और वो नहीं पूरे किए जाएंगे, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। ये फौज का एक रोल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, रोल जो आर्मी को दिया हुआ है, तो उसके तहत अगर एक चीफ बोल रहा है तो वो गलत बात नहीं बोल रहे हैं। और बाकी जो उन्होंने कहा है, मैं कहता हूं उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो जो एक रिट ऑफ द गवर्नमेंट है। आज देखिए, जब मिलिट्री, जब आर्मी इन्वॉल्व होती है ऐसे इलाके के अंदर, और मैं तो वहां कोर कमांडर भी रहा हूं, मैंने वहां बहुत अपनी नौकरी की है, आर्मी जो है वहां पे अपने जो ऑपरेशंस हैं बड़े मिनिमम फोर्स के साथ में, पीपल फ्रेंडली नजरिए के साथ में करती है। और हम हमेशा जो हमारे दिमाग में ये होता है, हमारे जहन में ये होता है कि हम जो वहां की आवाम है उसे कोई इनकन्वीनियंस ना हम दें, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम कार्रवाई बिल्कुल ठीक करते हैं। लेकिन जो आप देख रहे हैं पत्थरबाजी चल रही है और जो हमारे जो सेना के ऑपरेशंस हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो नेचुरली आप जो सेना है वह हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगी।
तो जब पत्थर मारे जाएंगे तो पत्थर के बदले में फूल तो फेंकेंगे नहीं जवान, तो उनको कार्रवाई तो वही करनी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इस चीज को लोग बढ़ाते क्यों हैं। देखिए ये कार्रवाई पाकिस्तान करवा रहा है और जो हमारे कश्मीरी जो अवाम है, मैं जानता हूं हमारी अवाम जो कश्मीर की है वो एक बहुत पीसफुल अवाम है, वो पीस चाहती है। मैं वहां रहा हूं बहुत देर, मैं कोर कमांडर भी रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान जो भड़का रहा है हमारे बच्चों को, हमारी अवाम को वहां पे, और पूरी अवाम नहीं है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मॉब मेंटेलिटी है, ये कुछ लीडर हैं कि जो लोगों को फोर्स करके यह काम करवा रहे हैं। अदरवाइज कश्मीर जो है बड़ा पीसफुल इंसान है। जनरल रावत ने भी कहा है कि वो जानते हैं कि पीछे से कोई ये चाल चल रहा है, ये फीड किया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है जो वहां पर यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं वहां पर। लेकिन अगर ये पता है कि कौन अंदर से कौन गुमराह कर रहा है, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि इन लोगों पर एक्शन लिया जाए, बनिस्पत इसके कि लगातार इस तरह की चीजें होती रहें? बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो एक काउंटर प्रॉक्सी वॉर या काउंटर इंसर्जेंसी की जो कैंपेन होती है वो हमारे भारतवर्ष के अंदर एक हम मैकेनिज्म तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं एपेक्स सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ये जेएनके के अंदर यूनिफाइड हेडक्वार्टर है जो जिसके ऊपर जो इसके जो चेयरपर्सन है, जो उसको चेयर करते हैं वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो जो जो मैडम महबूबा मुफ्ती हैं, ये उनके उनके निगरानी में ये होना चाहिए, उन्हें ये पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनको फोर्स का इस्तेमाल ठीक करना चाहिए। और मैं इतना बता दूं हमारी जो सेना है वो ठीक तरीके से कैलिब्रेटेड फोर्स का इस्तेमाल करती है अपने लोगों के ऊपर। आपने देखा होगा टीवी के अंदर जब लास्ट ये ऑपरेशन हुआ है जिसके अंदर वो एक जो जिसका नाम कुछ टाइगर वाइगर था जिसको मारा है, उसको चेतावनी दी गई लाउडस्पीकर के ऊपर और जब वो नहीं माना उस टाइम उसको न्यूट्रलाइज किया गया। तो ये हमारी कार्रवाई जो है बड़ी एक मुफीद बेहतरीन जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं जो हमें दिए हुए हैं गवर्नमेंट के, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। सर एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे फिर मैं राहुल जी के पास जाना चाहती हूँ, वो ये कि क्या आपको लगता है कि नेता जो है, फिर से वही सवाल मैं दोहरा रही हूँ, जो नेता हैं जो मिनिस्टर्स हैं वो जनता से कम संवाद कर रहे हैं, अपनी बात कम रख रहे हैं, इसलिए आर्मी चीफ को बोलना पड़ रहा है? क्योंकि पहले हमने नहीं देखा कि इतने इंटरव्यूज दिए गए, यूजुअली टर्म के एंड में होता था कि एक इंटरव्यू दिया जाता था और वो हम समझते थे कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अब इंटरव्यूज देने पड़ रहे हैं। आपको लगता है कि नेता कम बोल रहे हैं, जनता से कम बात कर रहे हैं? हाँ वो तो देखिए ये एक चीज है, इनफैक्ट मैं कहीं और भी डिस्कस कर रहा था ये पॉइंट कि जो वहां के लीडर्स हैं उनको आगे आना पड़ेगा। देखिए अवाम ने उन्हें इलेक्ट किया है, तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका काम है बाहर निकलना और अवाम से मिलना, अवाम को बताना, बच्चों को बताना कि वो गलत रास्ते पे है, उनको ठीक रास्ते के ऊपर लेके आना। और ये कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखते हैं जो बयान आ रहे हैं वो सेंटर से आ रहे हैं, लोकल बयान नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इतना भी बता दूं, देखिए ये एक कंपल्शन भी होती है जो वहां की लीडरशिप है, हमें इसे ठीक नजरिए से देखना है। वहां पे कंपल्शन ये है कि फियर ऑफ द टेररिस्ट गन जो है, बिल्कुल बिल्कुल, उसी के कारण आप देखेंगे ये जो मॉब मेंटेलिटी लोग करते हैं, ये जो बच्चे आज पत्थर उठा रहे हैं, तो एक वातावरण ऐसा पैदा हो जाता है जिसके अंदर पॉलिटिकल लीडर्स को भी या तो चुप रहना पड़ता है या इस प्रकार से बात करनी पड़ती है कि जो टेररिस्ट हैं उनके लिए म्यूजिक हो। ये जो एक साइकिल है, लेकिन ये तो अनएंडिंग साइकिल है ना, कि अगर डर है तो नेता नहीं जाएंगे, नेता नहीं जाएंगे तो बात नहीं होगी, बात नहीं होगी तो फिर यही चलता रहेगा। तो फिर इसका यहाँ पे सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी है उसे हमने ज्यादा करना है। देखिए सवाल ये है कि ये बयान जो आजादी पे दिया आर्मी जनरल ने, ये महबूबा मुफ्ती को देना चाहिए, ठीक है, पर महबूबा मुफ्ती ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और वो कल ही बुलाई, कल ही, और उनका क्या बयान था? उनका बयान था कि यूनिलैटरल सीज फायर किया जाए के वन साइडेड सीज फायर। प्रॉब्लम जो अभी जनरल साहब ने कहा है ये जरूर है कि मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू कश्मीर में है वो अपने गांव में नहीं जा सकते, तो और तो पॉलिटिकल प्रोसेस जो शुरू करनी है वो बिल्कुल नहीं हो रही है वहां पे, ठीक है। छोटा सा इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटते हैं हम इस चर्चा पर। सीधा रुख करते हैं जनरल विक्रम सिंह का। सर यहाँ पर जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है जनरल रावत ने, उन्होंने ये भी कहा है कि जो सॉफ्ट अप्रोच है उसने काम नहीं किया है, बुरहान वानी के मारे जाने के बाद स्थिति अचानक
बदल गई है। आज स्थिति यह है कि जो सरेंडर भी करता है, जो आतंकवादी, वो ये नहीं चाहता कि उसके बारे में ये खबर बाहर जाए कि उसने सरेंडर किया है। वो ये प्रेफर करता है कि वो जख्मी हुआ है ऐसा बताया जाए और पकड़ लिया गया है ऐसा बताया जाए। ऐसी स्थिति में वहां पर अब क्या अप्रोच होना चाहिए? क्या अभी भी सॉफ्टनेस कहीं पर हो सकती है अप्रोच में? देखिए, ये मेरा तजर्बा है कि जब तक हम वहाँ पे ठीक फोर्स लेवल्स नहीं लेके आएंगे, जो प्रॉपर सिक्योरिटी है वह नहीं आएगी। लेकिन ये जो मैंने अपने जो अल्फाज अभी जो जाहिर किए हैं, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर से कश्मीर से कोई सुन रहा है तो वो भड़क जाएगा कि नहीं, यहाँ और सेना नहीं आनी चाहिए। देखिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का रवैया है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम वहाँ पर ज़्यादा ट्रूप्स लगाएं। जो एक सिक्योरिटी का वातावरण जब तक पैदा नहीं होगा, जब तक फियर ऑफ द टेररिस्ट गन जो है वहां से एलिमिनेट नहीं होगा, लोग जो हैं वो अपनी कार्रवाई अपने दिल से जो है वो अपनी बात को बयान नहीं करेंगे। वो डरते रहेंगे कि उनका पता है ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर आप जानते हैं जो एक दर होता है टेररिस्ट गन का, वो 10 गुना ज्यादा होता है बनिस्पत एक सिपाही की गन के, क्योंकि सिपाही की जो बंदूक है उसकी गोली के ऊपर जो मार्किंग लिखी है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी है। टेररिस्ट गन की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो उसका जो एक डर है एक टेररिस्ट गन का, वो बहुत ज्यादा होता है वातावरण के अंदर। उसे हमने एलिमिनेट करना है। उसे हम करेंगे तो आप देखेंगे ये कार्रवाई जो वहां का माहौल है ठीक हो जाएगा। ये बच्चे क्यों जाते हैं आप देखिए, एक बात तो ये है कि वो अनएम्प्लॉयड है। देखिए, अनएम्प्लॉयड बच्चा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड बच्चा जो है ही इज मोर ससेप्टेबल। वो उसको वो अल्योर भी कर लेते हैं विद सम मनी एंड ऑल दैट। कुछ कोर्शन के साथ में भी जाते हैं, इंटिमिडेशन के नीचे भी जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहकावे में आके, क्योंकि वो यू सी अदरवाइज देल बी ऑस्ट्रेसाइज फ्रॉम द कम्युनिटी, उनको कम्युनिटी से निकाल दिया जाएगा। तो वो भेड़ चाल जो है एक किस्म का मॉब मेंटेलिटी के तहत वो उसके अंदर जुड़ जाते हैं। तो हमने बेसिकली, मैं ये कहूंगा कि जब तक यूनिफाइड हेडक्वार्टर के नीचे जो रिसोर्सेज हैं वहां पर डिप्लॉयड, उनका दोबारा एक रिव्यू नहीं किया जाता, ठीक डिप्लॉयमेंट नहीं किया जाता, ताकि जो टेररिस्ट हैं उनको जितने हैबिटेट्स हैं, जितने बिल्ट अप एरियाज हैं, वहां तक ना जाने दिया जाए। और मैं आपको इसका भी बताना चाहता हूं कि ऐसी वॉरफेयर के अंदर पॉपुलेशन का सेना के साथ में होना निहायत जरूरी है। जो पॉपुलेशन है वही देती है ताकत एक टेररिस्ट को, और यही पॉपुलेशन। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। राहुल जलाली, आपसे हम जानना चाहते हैं, जो यहाँ पर जनरल बिक्रम सिंह कह रहे हैं कि पॉपुलेशन का साथ होना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार जो यहाँ पर जैसा आप भी कह रहे हैं कि इंटरव्यू में फैक्चुअल इंटरव्यू यहाँ पर जनरल रावत ने दिया है, लेकिन शायद ये किसी पॉलिटिशियन को कहना चाहिए था। ये इस तरह की बातें कई बार काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। ऐसे में आगे जो कहते हैं द वे फॉरवर्ड, आगे क्या है? देखिए, आगे तो पहले ये है कि सिचुएशन कश्मीर में आज की तारीख में बिल्कुल बदली हुई है। पहली बार लगातार इस महीने में 3 बार टूरिस्ट पे हमले किए गए, आज तीसरा हमला हुआ है कर्नाटका के जजेस पे। तो ये स्थिति कभी नहीं थी कश्मीर में। दूसरी बात, आज की तारीख में मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो है कश्मीर का, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। पहले तो उनको घर से बाहर निकालने के लिए उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे अहम है, सेंटर को कोई ठोस पॉलिसी बनानी है कश्मीर की। ये जो नया स्थिति ये बनी है कश्मीर में, जहां पे टेररिस्ट आज की तारीख में पत्थर फेंक रहा है, और मैं इनको टेररिस्ट करूंगा, और एक टूरिस्ट की मौत हो रही है, उसको कैसे काबू किया जाए, क्या पॉलिसी लाई जाए, उस पर कोई एक ठोस पॉलिसी हो। अभी क्या हो रहा है, एक साइड पे दिनेश्वर शर्मा जी इंटरलोक्यूशन पे जा रहे हैं, वो काफी किस हद तक आगे चल रहा है उसको देखें। दूसरी साइड पे फौज एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो कर रही है, पर उनका भी हाथ एक मामले में पीछे बंधा हुआ है। तो 90s की आप फिर से एग्जामिन करिए, 90s में जो स्थिति थी, टेररिज्म को साफ कर दिया था, और उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस रिवाइव हुई 2000 में। वाजपेयी जी इसलिए कर पाए क्योंकि एक सिचुएशन फौज ने बना के दी थी। शायद हमें वहां पे वापस जाना पड़ेगा 90s की स्थिति को एडॉप्ट जो करना चाहिए। हमारे जो दोनों मेहमान कह रहे हैं, शायद इतिहास को देखना कश्मीर में बहुत जरूरी है, स्थिति को रिव्यू करना हर प्रकार से, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे राजनीति के लिहाज से हो, ये भी बहुत जरूरी है। और हर इंसान जो भी कश्मीर को देख रहा है, समझ रहा है, वो यही पूछ रहा है कि आखिर हमारे नेता कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो। घरों से बैठकर राजनीति नहीं चलती, या फिर दिल्ली में बैठकर भी कश्मीर की राजनीति शायद नहीं हो सकती, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे दोनों मेहमानों का, जनरल विक्रम सिंह और राहुल जलाली, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना।